स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको एम साल्विन टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे हमें कब लेना है, क्यों लेना है और इसको एक दिन में हमें कितना लेना रहता है, कौन सी बीमारियां सही हो जाती है और इसका प्राइस क्या है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों जब आप सर्दी खांसी या बलगम वाली खांसी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको सिरप पीने की इच्छा नहीं करती है, सिरप भी पीते हैं तब भी आपकी खांसी नहीं जाती है, तो उतने समय आप एम साल्विन एक्सपेक्टोरेंट टेबलेट लेकर के आप अपनी बलगम वाली खांसी को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों बलगम अगर किसी के इंसान के शरीर में अगर जम गया है तो उससे क्या होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, खांसते हैं, सर्दी भी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, आंखों से पानी आने लगता है, तो उतने समय आप एम साल्विन टेबलेट लेकर के अपनी सभी समस्याओं को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों एम साल्विन टेबलेट जो है इसमें तीन तरह का कंपोजिशन मिला करके यह टेबलेट तैयार किया गया है जो आपको बलगम निकालने का काम करता है, साथ साथ अगर आपको सांस फूलने में दिक्कत हो रही है बलगम की वजह से तो अभी लेने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो सबसे पहला एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड जो है यह एक म्यूकोलाइटिस एजेंट है जो आपके बलगम को पतला करता है, और इसके साथ साथ यह जो गुआफेंसिन है यह एक एक्सपेक्टोरेंट है जो आपके बलगम को पतला करके बाहर निकालने का काम करता है, और तीसरा जो है टर्बुटालिन सल्फेट यह आपके श्वसन नली को, सांस वाली जो नली रहती है, ब्रोंकाइटिस जो नली रहती है यह उसे अगर वह सिकुड़ गई है बलगम की वजह से तो उसे यह मोटा करके आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि बलगम की वजह से आपको दमा जैसी समस्या होने लगती है, सांस फूलने लगता है क्योंकि वह पूरी तरह जकड़ लेता है। तो तीनों दवाएं जो है इस दवा में यह एक अहम रोल निभाती हैं जो आपके खांसी वाली समस्या को सही कर देती है। चलिए जानते हैं कि एम साल्विन टेबलेट में कौन सा इंग्रेडिएंट है और कितना इसमें कंटेंट दवा मिलाया गया है। दोस्तों एम्ब्रोक्साल जो है हाइड्रोक्लोराइड यह इसमें 30 मिलीग्राम मिलाया गया है, और गुआफेंसिन जो है 100 mg मिलाया गया है, और टर्बुटालाइन सल्फेट जो है वह 2.5 मिलीग्राम मिलाकर के दवा तैयार किया गया है जो आपके बलगम वाली खांसी को या आपको सर्दी जुकाम हो जा रहा है तो उतने समय बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में कि इसे कब और कितना लेना है। दोस्तों अगर आप एडल्ट हैं तो एक गोली सुबह एक गोली शाम आप नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी के साथ इसे आप ले सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं। तब जानते हैं क्या इस दवा को लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता। दोस्तों इस दवा को लेने के बाद उसे नॉर्मली सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे आप दवा ले लिए आपके शरीर में थरथराहट हो रहा है, नींद आ रहा है बहुत ज्यादा, मुंह सूख रहा है या कब्जियत की शिकायत, तो उतने समय इस दवा को बंद कर दे, नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर सलाह ले। दोस्तों कोई भी दवा अपने मन से ना ले, जहां तक वो डॉक्टर से संपर्क से सलाह से अगर वह दवा दे रहे हैं तो आपका एज और वेट देख करके ही आपको दवा प्रयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर अपने मन से कोई भी दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो वह एक जानलेवा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट का प्राइस कितना है और एक स्टिक में कितना आता है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों यह है एम साल्विन टेबलेट जो है यह इपका लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो 10 टेबलेट का एक स्टिक आता है जो लगभग आपको 56 रुपए का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आसानी से आप ले सकते हैं और अपनी सर्दी खांसी जुकाम वाली खांसी को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।